अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका उस्मानी खान और वायरल वीड्स की तरफ से आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक नई जॉब अपडेट के साथ आपकी पेशे खिदमत हाजिर हूं। आज हम जॉब्स जो हैं के पी के की तरफ से जो अनाउंसमेंट की हुई हैं जॉब्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शुहदाए APS यूनिवर्सिटी नौशहरा में जॉब्स आई हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जॉब्स डिटेल्स के बारे में जानने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि जो पहली जॉब वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है लैब टेक्नोलॉजिस्ट। जी हाँ, लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। इसकी एज क्राइटेरिया जो है वो 22 से 40 साल है और BPS 17 में है। और इसके लिए आपको कम से कम BA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, BPS 16 में है और इसकी एज लिमिट है 18 से 45 साल और इसके लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है अकाउंटेंट की। उसके लिए एज लिमिट 18 से 45 साल है और MA MCOM सेकेंड डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें उसके लिए ऑफिस असिस्टेंट है BPS 16, ये सेकंड क्लास BA में होनी चाहिए और इसकी एज लिमिट है 22 से 32 साल। उसके बाद जूनियर क्लर्क्स एज लिमिट है 18 से 30 साल और कम से कम मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। और जो नॉर्मल चल रहा है हिसाब किताब के टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद जो आखिरी है वो रिसेप्शनिस्ट की है और टेलीफोन ऑपरेटर की है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 45 साल और कम से कम मैट्रिक सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और इसका अप्लाई प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताऊं तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही है जॉब वेबसाइट, इसके ऊपर आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपने 17 जनवरी 2022 से पहले पहले ये जो नीचे एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस के ऊपर आपने पोस्टल कर देना है। और उसके बाद 17 जनवरी 2022 के बाद ये जो है एप्लीकेशंस रिसीव नहीं होंगी। और ये थी आज की जॉब अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा मज़ीद जॉब्स इंफॉर्मेशन के लिए, जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने उस्मानी खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।